नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर डेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा रिचार्ज कर लिया है तो क्या उनका रिचार्ज जो है वो आप कह सकते हो अनलिमिटेड 5G देगा 3 जुलाई के बाद में, यानी मतलब उनके प्लान में अनलिमिटेड 5G चलेगा या नहीं। और यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अभी रिचार्ज अगर कर रहे हो तो डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, बिग डिस्काउंट, अच्छा कैशबैक, मतलब आपका प्लान जो है वो 10-20 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आप अभी जो रिचार्जेस कर रहे हो उसमें डिस्काउंट आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो जियो ऐसे ऑफर्स लेकर आता है जहां पर ये मतलब डिस्काउंट हमें दिया जाता है और हमें पता नहीं लग पाता क्योंकि जियो इसका प्रमोशन नहीं करता। बेसिकली अलग अलग डिजिटल वॉलेट्स के साथ में ये ऑफर जो है वो जियो लाता है, मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, गूगल पे करिए सर्च टैग उज्ज्वल, जैसे सर्च करोगे पहले नंबर पर मेरी वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पर क्लिक करके उसे ओपन कर लीजिएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा जियो जून ऑफर अमेजिंग कैशबैक करके, तो इस आप कह सकते हो जो आर्टिकल पे क्लिक करिएगा और इस आर्टिकल को रीड कर लीजिएगा। इस आर्टिकल को जैसे ही स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ पढ़ोगे तो वहां पर मैंने अलग अलग डिजिटल वॉलेट लाइक पेटीएम का यूनिक कोड, फोनपे का यूनिक कोड, मोबीक्विक का यूनिक कोड, पेजैप का यूनिक कोड, अमेजॉन पे का, मतलब अलग अलग डिजिटल वॉलेट्स का एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया है। अगर आप यूनिक कोड का यूज करके रिचार्ज करोगे तो आपका प्लान जो है वो 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये सस्ता पड़ेगा। अब सस्ता कैसे पड़ेगा, या तो आपको कैशबैक मिल जाएगा, वापस उतना पैसा मिल जाएगा, या फिर आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो प्लीज आप अगर रिचार्ज कर रहे हो क्योंकि अब प्लान के प्राइसेस महंगे होने वाले हैं और अभी जो प्लान के प्राइसेस अवेलेबल है वो उससे भी सस्ते में रिचार्ज कर सकते हो, तो मैंने जो ट्रिक बताई है फॉलो करिएगा। techujjwal.com वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलेगा, तो techujjwal.com गूगल पे सर्च करके पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करके चले जाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे कि जियो का जो एक्स्ट्रा रिचार्ज के ले रहे हैं, जो एडवांस रिचार्ज के ले रहे हैं, क्या अनलिमिटेड डाटा उनके में चलने वाला है। तो भैया जियो खुद आज माई जियो एप्लीकेशन में एक अपडेट किया है। अगर आप माई जियो एप्लीकेशन अभी ओपन करोगे तो ओपन करते ही आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, ऊपर ही आपको एक नोटिफिकेशन जो है वो शो हो जाएगा, लिखा हुआ है लोवेस्ट प्राइजेस ऑन प्लान। अब देखो जियो जानता है कि यहाँ पर 3 जुलाई से पहले यहाँ पर जो है वो बहुत लोग रिचार्ज करने वाले हैं और कहीं ना कहीं जियो ने इसीलिए इतने पहले अनाउंस कर दिया 4 दिन पहले ही कि 3 जुलाई को प्लान बढ़ेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी रिचार्ज कर लो और प्रॉफिट जो है वो जियो का बन रहा है। पहले क्या होता था, हम सस्ते से सस्ता रिचार्ज ढूंढते थे, अब क्या हो रहा है, हम महंगे से महंगा रिचार्ज करे ले रहे हैं। मतलब कुछ लोग 2999 वाला किए ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक साल तक उनका जो है वो चलता रहे, तो 2999 वाले कोई 2 रिचार्ज किए ले रहा है, कोई 3 रिचार्ज किए ले रहा है, तो इससे जियो का प्रॉफिट बन रहा है। इसलिए जियो ने अभी तुरंत प्लान के प्राइसेस चेंज नहीं किया, पहले बताया कि हम इतने को प्लान के प्राइसेस चेंज करेंगे, अब लोग एडवांस रिचार्ज कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपका था कि आपको कोई दिक्कत होगी अगर आप एडवांस रिचार्ज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप आज कोई प्लान रिचार्ज कर रहे हो तो जो बेनिफिट आप आज जो उस प्लान में शो हो रहा है वही बेनिफिट आपको जो है वो मिलने वाला है जब तक उस प्लान की वैलिडिटी रहने वाली है। तो 3 जुलाई से बाद, मतलब 3 जुलाई के बाद भी अगर प्लान के प्राइसेस जो है आप कह सकते हो जो बढ़ जाएंगे और उसके बाद जो है कुछ में अनलिमिटेड 5G डाटा मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, तो उससे आपको पुराने प्लान में कोई यहां पर जो है वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने अभी रिचार्ज किया ना, अब आगे क्या हो जाता है टर्म एंड कंडीशन उसको हम नहीं जानते, तो आपने अभी रिचार्ज किया तो आपको जो है वो 3 जुलाई के बाद भी अगर अभी उस प्लान में अनलिमिटेड 5G शो हो रहा है, लाइक अगर आपने अभी रिचार्ज किया 239 वाला प्लान, तो उसमें अगर अनलिमिटेड 5G डाटा शो हो रहा है तो हमें मतलब नहीं है 3 जुलाई को क्या होने वाला है, लेकिन 3 जुलाई के बाद भी अनलिमिटेड 5G डाटा आपको 239 वाले प्लान में मिलता रहेगा। या फिर अभी अगर अनलिमिटेड 5G मिल रहा है 1.5 GB पर डे वाले प्लान में, तो आपको आगे भी जो है वो अनलिमिटेड 5G मिलता रहेगा। अब जियो ने अपडेट क्या किया, जियो ने खुद कहा है लोवेस्ट प्राइस ऑन प्लान, रिचार्ज नाउ, रिचार्ज अभी करें और एक्टिवेट करें जब आपको ज़रूरत हो। तो मतलब जियो खुद कह रहा है भैया कि एडवांस रिचार्ज करके रख लो, देख लो स्क्रीन पे कह रहा है एडवांस रिचार्ज करके रख लो, जब जरूरत होगी तब यहाँ पर जो है वो अपना एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो मतलब जियो खुद चाहता है कि आप एडवांस रिचार्ज करें क्योंकि जियो का तो प्रॉफिट बन रहा है ना, अब पहले आन महंगे हो जाएंगे तब भी लोग रिचार्ज करेंगे जो लोग एडवांस नहीं कर रहे हैं, और जो एडवांस कर रहे हैं तो उससे तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो फ़ायदा यहाँ पर जो है वो ऑपरेटर्स को ही हो रहा है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप लोग के कुछ कमेंट आ रहे थे कि मतलब हम कितने यहाँ पर जो है एडवांस रिचार्ज करके रख सकते हैं, तो देखो एयरटेल का तो नहीं कुछ क्लियर है, लेकिन जियो का ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लियर ये पता लगा कि 50 आप जो है वो क्यों आप जो है रिचार्ज करके रख सकते हो, मतलब 50 रिचार्जेस तक आप जियो में जो है वो करके रख सकते हो मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे। यहाँ पर एयरटेल ने भी दोस्तों जो है वो 5G को लेकर कोई अपडेट नहीं बताया, लेकिन मतलब यहाँ पर यह है कि एयरटेल ने कोई भी 5G के अंदर चेंज नहीं किया, 5G डाटा ऑफर आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। हाँ, जियो ने अनलिमिटेड 5G डाटा ऑफर चेंज किया है,
अब तभी मिलेगा जब आप 2 GB पर डे वाला प्लान रिचार्ज करोगे, तभी आपको जो है वो अनलिमिटेड 5G डाटा मिलेगा 3 जुलाई के बाद। 3 जुलाई से पहले तो अभी जैसे मिल रहा है वैसे ही आगे मिलता रहेगा अगर आप एडवांस रिचार्ज करते हो। तो दोस्तों ये डाउट्स थे, बाकी मैंने यहाँ पर आप लोग का जो है मतलब थोड़ा सा सोचा कि एडवांस रिचार्ज के कुछ ज़्यादा ही कमेंट आ रहे थे कि एडवांस रिचार्ज कर लें तो क्या मतलब कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर एडवांस रिचार्ज कर रहे हो तो बेफिक्र होकर कर लो। लेकिन हाँ, मेरी सलाह ये है कि यार देखो ज़्यादा पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 साल का एडवांस रिचार्ज के ले रहे हो तो ठीक है, अब कुछ लोग होंगे 4 साल का 5 साल का रिचार्ज के ले रहे हो तो भैया इतनी दूर की क्यों सोच रहे हो यार, जेब से तो पैसा अभी निकल जाएगा ना। तो जितना आप मतलब निकाल सकते हो उतना निकालो, ज़बरदस्ती अपनी जेब को मतलब हल्का ना करो, ठीक है। तो कंपनियां तो चाह ही रही हैं आप एडवांस रिचार्ज करो, और आप इतना महंगा महंगा मतलब दो दो तीन तीन साल का कुछ लोग भैया रिचार्ज किए ले रहे हैं। कुछ लोग कमेंट क्या कह रहे हैं, भैया अगर मैं 5 साल का रिचार्ज कर लूँ तो। हमने कहा बे यार 5 साल में हो सकता है कुछ कोई कंपनी नहीं आ जाए, अगर कंपनी नहीं आएगी तो फिर वो सैटेलाइट वाला इंटरनेट आ जाएगा, तो इलॉन मस्क भैया भी आ सकते हैं, फिर जियो का सैटेलाइट इंटरनेट भी आ सकता है, तो आगे बहुत स्कोप है। तो 1 साल तक का कर लो, वो ठीक रहने वाला है। तो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, बाकी techujjwal.com पे विजिट करके डिस्काउंट वाले ऑफर्स का लाभ उठा लीजिएगा, क्योंकि 30 जून को ही लास्ट तारीख है, उसके बाद यहाँ पर ये ऑफर्स बंद हो जाएंगे। फिर नए ऑफर्स भी वेबसाइट पर अपडेट होंगे techujjwal.com पे, तो वेबसाइट पर हमेशा विजिट करते रहिएगा 3 जुलाई से पहले पहले, क्योंकि वहाँ पर मैं नए नए ऑफर्स अपडेट करने वाला हूँ। और अभी एक और तगड़ा ऑफर लाने वाला हूँ जहाँ पर आपको 20-30 रुपये तुरंत इमीडिएटली विदाउट कैशबैक वगैरह के आपका प्लान सस्ता पड़ने वाला है। तो उस वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून करिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना इस वीडियो से कहता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।